हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो सीजीएल 2019 की टीयर 2 एंड टीयर 3 की आपकी जो डेट्स हैं वो आ गई हैं। टीयर 3 की डेट्स अभी कुछ टाइम पहले ही आई है, अचानक से उनको टीयर 3 की डेट्स निकालनी पड़ गई। तो इससे आप एक आइडिया लगा ही सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है आपका लगभग जो है वो ऑन टाइम ही आपका होगा, जो भी आपको डेट्स दी गई हैं उसमें होगा। एक्चुअली एसएससी में इस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है कि आपके एग्ज़ाम तो टाइमली कंडक्ट करवा लिए जाते हैं, जो टीयर 2 है, टीयर 3 है, ठीक है। जैसे कि आपने सीजीएल 2018 में भी देखा होगा, जब टीसीएस ने आगे आपके जो एग्ज़ाम है फर्दर वो कंडक्ट करवाए थे, तो उसके बाद एग्ज़ाम जो है वो आपके टाइमली कंडक्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो उनके रिज़ल्ट हैं उनको एक एक साल लग रहा है। तो खैर, अभी हम सिर्फ उसकी बात करेंगे जो आपके रिज़ल्ट जो आपके एग्ज़ामिनेशन है वो ये कंडक्ट करवा रहे हैं। इतनी भी बहुत बड़ी बात है, जो टीयर 2 और टीयर 3 के आपके एग्ज़ाम हैं ये अभी आपके कंडक्ट हो जाएंगे। तो 2 से 5 नवंबर के बीच में आपका टीयर 2 एग्ज़ाम होगा और फिर उसके बाद टीयर 3 का इन्होंने बोला है 22 नवंबर को। तो बहुत ही कम टाइम रह गया है। तो जैसे कि आपको पता है कि UFM वाला जो केस है अब आगे जो है वो एप्लीकेबल होगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्कता बरतनी है, बहुत ही ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है। और ये जो आपका एग्ज़ाम है टीयर 3, ये टीयर 2 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर इसमें आपको थोड़ी सी भी गलती आपसे हो जाती है तो आपका पूरा एग्ज़ाम जो है वो CGL का ख़राब हो जाएगा। तो इसमें आपको बड़ी जो है वो सावधानी बरतनी चाहिए जो टीयर 3 का एग्ज़ाम है। और टीयर 3 के एग्ज़ाम की बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन, जैसे कि मैंने स्टूडेंट को काफ़ी टाइम से मैं करवाता हूँ, बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 2018 में जो मेरी डिस्क्रिप्टिव की बुक थी जिसका प्राइस बहुत कम था वो ली थी और काफ़ी बेनिफिट उससे उठाया था। तो अभी भी वो बिल्कुल अपडेटेड बुक है, बहुत ही कम प्राइस में। मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो वीडियो के एंड में दिखाऊंगा ही। तो इससे पहले आपके काफ़ी एग्ज़ाम होंगे, जैसे IIT का जो आपका JEE और एडवांस मेंस का जो आपका एग्ज़ाम है वो होना है। तो वो आपका कंडक्ट होगा, देखते हैं कि कैसे वो कंडक्ट होता है। और उसके बाद फिर जो आपका एग्ज़ाम है IBPS RRB के आपके एग्ज़ाम है, तो ये अगर सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाते हैं तो CGL 2019 के टीयर 2 और टीयर 3 के एग्ज़ाम को आपको कोई नहीं रोक सकता। वैसे अगर मैं अपनी राय में बताऊं तो ये एग्ज़ाम आपका डेफिनेटली कंडक्ट हो जाएगा जो आपका एग्ज़ाम है। तो अभी मैं वो आपकी जो बुक्स हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पहले एक बार बुक देख लीजिए, SSC स्मार्ट क्लासेस कंप्लीट इंडियन बुक। एक तो इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है, जिसका प्राइस है 40 रुपीज़। तो ये जो सारी बाकी जो बुक्स हैं आपकी, 3 वोकैब्स की बुक है, बाइलिंगुअल एग्ज़ाम प्रिपरेशन की आपकी ये बूस्टअप करेगी। बहुत ही बेस्ट तरीके से बुक जो है वो कंपाइल की गई है, बहुत टाइम इनमें इन्वेस्ट हुआ है। जस्ट 165 में मैं आपको सारी बुक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। कौन कौन सी बुक हैं देख लीजिए, 3 बेस्ट वोकैब बुक है, 1 बेस्ट अपडेटेड बुक है डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की आपकी इंग्लिश में, 1 बेस्ट अपडेटेड बुक है आपकी हिंदी में, और फिर 1 बेस्ट अपडेटेड बुक है आपकी इंग्लिश और हिंदी में, जिसमें सारे लेटेस्ट टॉपिक आपको मिलेंगे। जैसे अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड है तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। इसके अलावा एक idiom एंड phrases की बुक है, bilingual है ये, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। एक कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री बुक है, एक कंप्लीट इकोनॉमिक्स बुक है, और एक कंप्यूटर अवेयरनेस बुक। ये कंप्यूटर अवेयरनेस बुक आपकी हेल्पफुल करेगी, जैसे दिल्ली कॉन्स्टेबल का आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपकी ये काफ़ी हेल्प करेगी। तो जस्ट 165 रुपीज़ आप मेरे को गूगल पे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। या अगर आपको सेपरेट परचेज करनी है तो उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे 1 बेस्ट अपडेटेड बुक है आपकी इंग्लिश में, जो आपकी ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की बुक है, तो ये जस्ट आपको मिल रही है 70 रुपीज़ में डायरेक्टली, आप गूगल पे भी कर सकते हैं 70 रुपीज़। इसके अलावा अगर आप हिंदी में परचेज़ करना चाहते हैं तो जस्ट 32 रुपीज़ में आपको ये बुक जो है वो हिंदी में मिल रही है। इसमें सारी चीज़ें मैं अपडेटेड ही आपको प्रोवाइड करूँगा, और ये बेस्ट बुक है आपकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से एसे लिखने हैं, किस तरह से आपको लेटर लिखने हैं। और CGL 2020 की, जैसा कि मैंने RTI के थ्रू आपको दिखाया था जो वैकेंसीज थी चेन्नई रीजन की आपके प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए और एग्जामिनर पोस्ट के लिए, तो वो मैंने आपको दिखाई थी। तो CGL 2020 की नोटिफिकेशन मोस्ट एक्सपेक्टेड आपका नवंबर टू दिसंबर में आने की संभावना है, तब आपके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे और फिर नेक्स्ट ईयर ये आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होंगे। अब देखते हैं CET पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है या फिर बगैर CET के ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा। तो गवर्नमेंट ने CET का बाकी बोल तो दिया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना इतना इजी नहीं है। तो अभी मैं आपको वो सारी बुक्स जो है वो दिखा देता हूँ। इंडिविजुअल भी परचेज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव की आप 70 रुपीज़ डायरेक्टली गूगल पे कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में। आपको बुक दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप बुक देख सकते हैं, ये SSC स्मार्ट क्लासेस की डिस्क्रिप्टिव की बुक है।
ठीक है, जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से करवाई हैं। ठीक है, यू कैन चेक। इसमें आपको लगभग सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही बेस्ट तरीके से मिल जाएंगी। जैसे कि एक लेटर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनफॉर्मर लेटर है, क्या क्या इसकी सैल्यूटेशन रहती है, कैसे कैसे इस इनफॉर्मर लेटर को आपको लिखना है, हर तरह के लेटर्स, ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको जो है वो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अब इसके अलावा दूसरी बुक मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देख सकते हैं बाकी बुक, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, मोटर व्हीकल 2019, प्लास्टिक बैन, आर्टिकल 370, अयोध्या वर्डिक्ट, तो ये सारे जो एक्ट हैं लगभग, और इनके साथ ऐसे लेटर भी आपको मिल जाएंगे। एक और अपडेटेड बुक है, यहाँ पे आप बुक देख सकते हैं, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसे रिसेंट का ही टॉपिक है, और फिर ये साथ में ऐसे लेटर भी है इससे रिलेटेड। उसके बाद देखिए अगला जो आपका टॉपिक है, देख सकते हैं यहाँ पे स्वतंत्र भारत कैंपेन, ये आपका लेटेस्ट टॉपिक हो गया। उसके बाद देखिए आपका कोरोना वायरस से रिलेटेड आपका टॉपिक है, सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा ये बुक हिंदी में भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी में भी एक कंप्लीट बुक है। हिंदी में भी आप अगर इसको इंडिविजुअल लेना चाहें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे भी कर सकते हैं वो अमाउंट चेक करके। तो बहुत ही बेस्ट तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंपाइल की हुई हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस जो है वो अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और बुक्स भी दिखा देता हूँ। जैसे CGL 2019 का एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री की बुक है, इसमें आपको सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो मिलेंगे। मतलब कोई भी ऐसी रेयर चीज़ है जो मैंने इसमें छोड़ी होगी आपके लिए, एक इंडियन इकोनॉमिक्स की है और एक हिस्ट्री की बुक है। दोनों बुक्स जो हैं वो आपको, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, 165 में आप ये सारी बुक्स जो हैं वो परचेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही 100 और 500 इसमें MCQ भी इसको मैं साथ में प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स की बुक है, ये भी बिल्कुल कंप्लीट है, सारे के सारे टॉपिक अपडेटेड हैं इसमें, और इसके लेक्चर भी आप देख सकते हो। अगर कोई चीज़ आपको बीच में समझ में नहीं आ रही है तो पूरे के पूरे लेक्चर्स भी आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं, चाहे आपका CET का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपको तो ये एग्ज़ाम जो है वो कॉमन मिलेगा, CET में आपका ये पूछा जाएगा डेफिनेटली। ये कंप्यूटर अवेयरनेस की भी बुक आप चेक कर सकते हो, इसमें कंप्यूटर अवेयरनेस की बहुत ही बेस्ट तरीके से, मतलब कम टाइम में आप सारी चीज़ें कर पाओगे। बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा ये आपकी इम्पोर्टेंट रहेंगी, ये जो बुक है ये बेस्ट तरीके से। ठीक है, कंप्यूटर के लेक्चर भी मैं आपको जल्द जो है वो स्टार्ट करवा दूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और तीन वोकैब्स की बुक में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ SSC स्मार्ट क्लासेस 3 बेस्ट वोकैब्स, और एक EDM एंड फ्रेसिस की भी आपको बहुत ही बेस्ट जो बुक है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और एक आप ये EDM एंड फ्रेसिस की भी मेरी बेस्ट बुक देख सकते हैं। मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैंने इतना आपको बता दिया है कि आपको सारे के सारे कॉन्टेंट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी बुक्स भी आप ले सकते हैं, और अगर आप इंडिविजुअली डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की बुक लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।